गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास है बीए सेकेंड ईयर के लिए और हमारा विषय है ज्ञान तथा पाठ्यक्रम। ज्ञान तथा पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा प्रकरण है वो है, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पीरियड के अंतर्गत ही, जो हमारा ज्ञान से संबंधित जो विद्यालय के अंतर्गत जो ज्ञान के आधार थे वो हमारा पूरा हो चुका है। अब ज्ञान से ही अंतर्गत या फिर यूं कहें कि विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है कि विद्यालय पाठ्यक्रम में ज्ञान के समावेश की चयन वैधता का उत्तरदायित्व। कि विद्यालय पाठ्यक्रम में जो ज्ञान हम चुनते हैं, यानी कि एक पाठ्यक्रम बनाने के लिए हम कौन कौन से विषय उसको अपनाते हैं, उसको किस प्रकार से अपनाते हैं, उसका चुनाव किस प्रकार से करते हैं, अगर उसका चयन सही है तो वह सकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगी और वह दोष रहित पाठ्यक्रम होगा और एक सफल पाठ्यक्रम माना जाएगा। लेकिन हमने ज्ञान के अंतर्गत एक पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए ऐसे विषय वस्तु का अगर चयन कर लिया है जो कि दोषपूर्ण है तो ऐसा पाठ्यक्रम या फिर यूं कहें कि ऐसा विद्यालय पाठ्यक्रम कभी भी सफल नहीं हो सकता, उसमें असफलता सदैव ही मौजूद रहेगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो इसी के अंतर्गत इर्द गिर्द चलेगा और हमारा आज का जो टॉपिक है विद्यालय पाठ्यक्रम में ज्ञान के विद्यालय पाठ्यक्रम में ज्ञान के समावेशन की चयन ज्ञान के समावेशन की चयन वैधता का उत्तरदायित्व, चयन ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता चुकी हूँ कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में ज्ञान समावेशन की चयन वैधता का उत्तरदायित्व, मैंने इसके डिटेल में आपसे बता दी है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में जो भी हम पाठ्यक्रम सम्मिलित करेंगे चाहे वह किसी भी कक्षा के अंतर्गत हो, लेकिन उसमें विषय वस्तु या फिर जो ज्ञान है जो हम देना चाहते हैं उस कक्षा के अकॉर्डिंग उसका चयन सफलतापूर्वक होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता था प्राचीन काल में, प्राचीन काल से हम यहाँ पर वैदिक काल ले सकते हैं। ठीक है, जो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी जिसके अंतर्गत नैतिक शिक्षा, धर्म से संबंधित शिक्षा है ना दी जाती थी, नैतिक शिक्षा और धर्म से संबंधित शिक्षा। धर्म से संबंधित शिक्षा से यहाँ पे तात्पर्य है हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे कर्तव्य के अकॉर्डिंग शिक्षा, नैतिक शिक्षा तो दी ही जाती थी कि गुरुजनों का पालन करना है ना, माता पिता का सम्मान करना वगैरह। लेकिन धर्म हमारे कर्तव्य हमें क्या कहते हैं, हमें किस ओर इंगित करते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं, एक राजा होता है, राजा का धर्म क्या है, यानी कि उसका कर्तव्य क्या है, जनता की सेवा करना। जनता की सेवा करना, जनता का कल्याण करना, अपनी
प्रजा का सुख सुविधाओं का ध्यान रखना है ना, हमेशा राष्ट्र कल्याण के हितों को ध्यान में रखकर ही फैसले लेना, ये एक राजा का धर्म है। उसी प्रकार से जो बालक होते हैं वह आगे जाकर भावी नागरिक बनेंगे, उस राष्ट्र के, उस समाज के, उस राज्य के, तो उनका भी अलग से धर्म निर्धारित किया गया है, जो कि कौन उनको प्रदान करते हैं, वैदिककालीन शिक्षक। जो प्राचीन काल में जो शिक्षा होती है होती थी वो होती थी शिक्षक केंद्रित, ठीक है, शिक्षक केंद्रित होती थी। शिक्षक बोलता जाता था, बोलता रहता था, शिक्षक मुंह से बोलकर ज्ञान देता था और बच्चे मुख बधिर एक मुख बधिर की तरह बैठे रहते थे, सुनते रहते थे। शिक्षक बोलता था और बच्चे सुनकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय जो शिक्षा थी वो बहुत ही स्मूथ थी, ठीक है, उसमें केवल एक ही उद्देश्य होता था, वो क्या होता था, शिक्षा देना। शिक्षा देना, उसके लिए बच्चों को बोलकर शिक्षा दी जाती थी और दूसरा उससे उनसे अभ्यास कराए जाते थे। कि उस समय युद्ध होने भी स्वाभाविक थे क्योंकि वो काल ही ऐसा था, इसलिए बच्चे को अस्त्र शस्त्र शिक्षा भी दी जाती थी कि समय आने पर हमें हमारे शत्रु से कैसे लड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से शिक्षा वहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी वो एक प्रभावशाली शिक्षा दी जाती थी। उस समय यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत कोई भी भ्रष्टाचार या फिर बेईमानी विद्यमान नहीं थी। क्या विद्यमान नहीं थी? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार नहीं था, भ्रष्टाचार विद्यमान ही नहीं था। जहां पर भी भ्रष्टाचार नहीं होगा वहां हमें कोई भी विषय वस्तु है एकदम साफ सुथरी एज इट इज मिलती ही है, ठीक है। प्राचीन काल में, वैदिक काल में भ्रष्टाचार नहीं था, इसलिए शिक्षा का परम कर्तव्य था शिक्षा देना बिना किसी बेईमानी के। वह स्वेच्छा से शिक्षा देता था, उसको शिक्षा देने में मजा आता था, शिक्षा देना उसका कर्तव्य था और वह अपने कर्तव्य को बखूबी निभाता था। बालकों का क्या काम था? बालकों का काम था शिक्षा ग्रहण करना, उनको पता है हमें शिक्षित किया जा रहा है एक योग्य शिक्षकों द्वारा, तो उनका भी कर्तव्य था कि वो भी एक योग्य विद्यार्थी के द्वारा, योग्य छात्र के द्वारा शिक्षा ग्रहण करे और वह भी बिना किसी बेईमानी के स्वेच्छा से शिक्षा ग्रहण करते थे। क्योंकि पहले जो चीजें होती थी वो ईमानदारी से होती थी, भ्रष्टाचार विद्यमान नहीं था और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों के अंतर्गत चीजें करते थे, ठीक है भाई। ये तो था वैदिक काल, प्राचीन काल था, जो चीजें हमने सुनी है, पढ़ी है, लिखी है, उसके अकॉर्डिंग हम सोचते थे, सोच रहे हैं और सोच सकते हैं, और ऐसा हमने सोचा भी है, पढ़ा भी है, लिखा भी है कि वैदिक काल जो था या फिर यूँ कि जो प्राचीन काल था वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं। जब भी किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राज्य में, किसी भी समाज में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो उस राज्य का, राष्ट्र का या फिर समाज का विकास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए वहाँ पर व्यवस्था, जो शिक्षा व्यवस्था थी हम यूँ कहें वो बहुत ही अच्छी थी। फिर समय बदला, फिर समय बदला, धीरे धीरे बहुत सारे काल क्रम बदलते गए हर जगह, पढ़ते काल में शिक्षा के मायने चेंज होते गए और आज जो हमारा जो आधुनिक जो समय है, जो वर्तमान समय है, उसमें शिक्षा का जो काल है या फिर शिक्षा का जो स्वरूप है वो पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। पूर्णतः परिवर्तन हो गया है, पूर्णतः चेंज हो गया है वर्तमान समय में। अब वर्तमान समय में ऐसी क्या चीजें हुई? सबसे मेन बात, भ्रष्टाचार और बेईमानी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। भ्रष्टाचारी और बेईमानी अपनी
चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और इससे भ्रष्टाचार और बेईमानी से यूं कहें कि लगभग लगभग भ्रष्टाचार और बेईमानी प्रत्येक क्षेत्र में इसने अपना सिकंजा जमा लिया है और शिक्षा के क्षेत्र को भी वंचित नहीं रखा। जहां पर शिक्षा के क्षेत्र में को भी वंचित नहीं रखा भ्रष्टाचारी और बेईमानी से, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में वंचित नहीं रहा तो चीजें क्या हो गई? तो चीजें हुई यूं कि जब शिक्षा के अंतर्गत बेईमानी आ गई तो जो शिक्षा का जो स्वरूप है एक स्वच्छ स्वरूप होता है कि भाई शिक्षक का कर्तव्य है कि वो शिक्षा देना ही देना है, शिक्षार्थी का कर्तव्य है कि शिक्षा प्रदान करनी ही करनी है। जहाँ पर शिक्षक बिना किसी भेदभाव के बिना किसी दबाव के शिक्षा देता था ताकि वो उसका गुण है, वो उसका धर्म है, वो अपना धर्म का कल्याण करता था, वो अपने धर्म का धर्म निभाता था और बच्चा शिक्षा ग्रहण करता था, शिक्षा से उसका सर्वांगीण विकास होता था, वो सारे कौशलों में निपुण होता था और वह अपने भावी जीवन के लिए तैयार होता था। लेकिन जहाँ पर शिक्षा के अंतर्गत भ्रष्टाचार आ जाता है तो वहाँ पर ये सारी की सारी चीजें मिलना मुमकिन ही नहीं हम मान सकते। जहाँ पर शिक्षक का धर्म था अपना कल्याण, मतलब अपने शासन में शिक्षार्थी का कल्याण करना, मुख्यतः शिक्षार्थी का कल्याण करना, वहाँ पर क्या आ गया है? अपना खुद का कल्याण करना। और शिक्षा के अंतर्गत भ्रष्टाचारी बेईमानी यानी कि शिक्षा सही तरीके से स्वच्छ तरीके से बालकों तक नहीं पहुँच पाएगी और ना ही हम उसको पहुँचा पाएंगे। फिलहाल अगर आप किसी भी बच्चे से पूछें कि भाई आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हो तो उनका एक ही उद्देश्य है, हम नौकरी लेना चाहते हैं। नौकरी क्यों लेना चाहते हैं? नौकरी से पैसा आएगा, ठीक है, जितनी अच्छी नौकरी उतना अच्छा पैसा। लोग आज क्या करना पसंद करते हैं? लोग आज इंजीनियर है ना, इंजीनियर और डॉक्टर बनना पसंद करते हैं। इंजीनियर डॉक्टर क्यों बनना पसंद करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम अच्छी डिग्री लेंगे, हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, हम अच्छी पोस्ट में जाएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे और हमारे पास में अच्छा पैसा आएगा। तो कुल मिला के अभी जो लोगों की मेंटेलिटी है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई अगर हम साइंस लेंगे, मैथ लेंगे तो हमारे पास बहुत अच्छी डिग्री हो जाएगी, बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, हम इसके भी हाफ में हम कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं और हमें अच्छी खासी सैलरी, अच्छी खासी पेमेंट मिलेगी। कुल मिलाकर शिक्षा प्राप्त करना एक व्यापार ही हो गया, एक धन का व्यापार हो गया। शिक्षा प्राप्त करना क्या हो गया? एक व्यापार ही देख लो आप, एक व्यापार हो गया धन के लिए। तो लोगों की जो सोच है वो काफी संकीर्ण हो चुकी है, काफी छोटी हो चुकी है शिक्षा को लेकर वर्तमान समय में। अब ऐसी स्थिति में जो लोगों की, जो समाज के लोगों की, राष्ट्र के लोगों की ऐसी सोच है तो हमें क्या प्रेरणा उठाना चाहिए? एक एज अ शिक्षक होने के नाते या फिर शिक्षा विभाग से जुड़ने के नाते या फिर भावी जीवन के लिए नागरिकों को तैयार करने के नाते हमें सबसे पहले हमें जो हमारा जो धर्म है, जो हमारे कर्तव्य है, वो हमें क्या करना चाहिए कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसे तथ्यों का समावेश करना जिससे कि लोगों में जो मेंटेलिटी बढ़ गई है धन कमाने की उसको दूर किया जाए। बेशक आप अच्छी डिग्री लो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मुकाम पे पहुंचो, लेकिन उसको केवल धन से जोड़ना ये बहुत ही गलत बात है। हमें शिक्षा को हमारे सर्वांगीण विकास से जोड़ना चाहिए। आगे वाले हम अपना खुद का विकास कैसे कर सके, हमारे राष्ट्र का विकास कैसे कर सके, वो हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए हम चाहे कौन से भी स्तर की कक्षा हो उसके अंतर्गत हमें एक मजबूत प्रभावशाली पाठ्यक्रम की जरूरत होती है, ठीक है? किसकी जरूरत होती है? प्रभावशाली पाठ्यक्रम। अब प्रभावशाली पाठ्यक्रम को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें इसके लिए इसका चयन करना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? चयन करना पड़ेगा, इसे चुनना पड़ेगा, इसका चुनाव करना पड़ेगा। प्रभावशाली पाठ्यक्रम के लिए हमें इसका चयन करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, इसको चुनना पड़ेगा। अब प्रभावशाली पाठ्यक्रम को हम कैसे चुनेंगे?
के माध्यम से ज्ञान के बहुत सारे आधार हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर से हम ले सकते हैं चीजें हम सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर सारी चीजें ज्ञान हम ले सकते हैं और उस ज्ञान को एकत्रित करके उसको एक पाठ्यक्रम का रूप देकर हम उस पाठ्यक्रम को एक कक्षा कक्ष के स्तर पर हम उसमें डाल सकते हैं। हमने कोई भी एक पाठ्यक्रम का विकास कर लिया और हमें ये पाठ्यक्रम का विकास हमें लग रहा है कि भाई ये तो पांचवी क्लास के लिए बहुत ही अच्छा है, उसको पांचवी क्लास के लिए रखना चाहिए। हमें हमारा पाठ्यक्रम एकदम प्रभावी तरीके से होना चाहिए। अगर पाठ्यक्रम के अंतर्गत कोई भी त्रुटि पाई जाती है या फिर वो पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है तो वो कभी भी सफल नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए पाठ्यक्रम का चयन ऐसा होना चाहिए कि वह सफलता की सीढ़ी चलता रहे और उसमें कोई भी जो भी दोष हो ऐसा और उसमें कोई भी दोष नहीं हो, अन्यथा वह पाठ्यक्रम किसी भी रूप में सफल नहीं हो पाएगा, ठीक है। पाठ्यक्रम का चुनाव भी हमें बहुत अच्छी तरीके से करना है। हम छठी क्लास का पाठ्यक्रम चौथी कक्षा में नहीं पढ़ा सकते, ये असफल पाठ्यक्रम है और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है। हम चौथी क्लास का पाठ्यक्रम 8th क्लास में नहीं पढ़ा सकते, ये भी दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है। इसलिए विद्यालय पाठ्यक्रम में ज्ञान समावेश के लिए चयन पात्रता बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चयन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम बिना सोचे समझे बिना चयन किए ज्ञान का अगर हम उसको पाठ्यक्रम के अंदर डाल देंगे तो वहां दोषपूर्ण पाठ्यक्रम माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चयन पात्रता का अर्थ। चयन पात्रता का अर्थ हमें विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान समावेश में चयन होना चाहिए। हम हमारे विषय वस्तु का चयन करके उचित चयन करके ही हम हमारे पाठ्यक्रम को सम्मिलित कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जिसकी मुझे फोन लेना है। अब 4-5 फोन के अंदर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे कौन सा फोन लेना है, ठीक है भाई। ये वाला भी अच्छा, ठीक है। बहुत सारे फोन है, 4-5 फोन है, वो सारे के सारे अच्छे, लेकिन मुझको तो बेस्ट फोन चाहिए। अब मैं उन चारों में से चयन करूंगी कि जो मुझे चाहिए, जो मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा करे, जैसा मैं चाहती हूँ कि मेरे फोन के अंदर ये फीचर्स होने चाहिए, मैं वो ही फोन लूंगी। तो मैंने 4-5 फोन के अंदर जो कि अच्छे अच्छे फोन थे उसके अंदर से मैंने मेरा बेस्ट चुना, मैंने चयन किया, ठीक है। उसी प्रकार से विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक प्रभावशाली पाठ्यक्रम डालने के लिए हमें भी चयन करना होता है और बहुत सारे बेहतरीन चीजों में से हमें सबसे ज्यादा अच्छा वाला अच्छा बेहतरीन विषय वस्तु उठानी है, ज्ञान उठाना है और उसको हमारे कक्षा के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चयन पात्रता का अर्थ क्या होता है। मैंने आपको अभी पिछले टॉपिक में बताया कि किसी भी विषय वस्तु को चुनना या फिर उसका चुनाव करना ही चयन होता है। वह चयन पात्रता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। हम किसी भी विषय वस्तु का चयन करेंगे तो वह किसकी कसौटी पर खड़ा उतरना चाहिए, सत्यता की कसौटी पर, विश्वास की कसौटी पर, ठीक है। सत्यता की कसौटी पर, विश्वास की कसौटी पर वह पाठ्यक्रम या फिर वह विषय वस्तु खड़ी उतरनी चाहिए जिस भी विषय वस्तु को हम हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी हमारा पाठ्यक्रम होगा वो ही बच्चे का भविष्य या फिर यूं कहें कि बच्चे का ज्ञान निर्धारित करेगा। हम बच्चे को जो विषय वस्तु पढ़ाएंगे बच्चा उसे ही स्वीकार करता है। जी हाँ, ये बात सच है। अगर हम घर पे जाकर एक बार मनन करते हैं, बच्चा अगर अध्ययन करता है, बच्चा पढ़ाई करता है घर पे जाकर, अगर उसको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है
पूछा, उसके माता पिता अगर उसको कुछ डिफरेंट आंसर बता देते हैं, लेकिन बच्चा केवल केवल किसकी मानेगा, शिक्षक की ही मानेगा कि नहीं हमारे सर या हमारे मैम ने तो वो चीजें बताई तो वो ही चीजें सही है। और शिक्षक ने वो चीजें कहाँ से पढ़ी, पुस्तक के अंदर, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत, पाठ्यक्रम के अंतर्गत वो चीजें पढ़ी है। इसीलिए जो भी हम चयन करें किसी भी ज्ञान का, किसी भी पाठ्य पुस्तक का या फिर किसी भी पाठ्यक्रम का, उसमें चयन करने का बहुत ज्यादा जरूरी अंश होता है। चयन करने का मैंने आपको बता दिया है, कोई भी ज्ञान, पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु है ना, कक्षा कक्ष के अकॉर्डिंग उसका चयन करना ही चयन विधता का अर्थ माना गया है। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चयन विधता की विशेषताएं।